पहले हम लोगों को पता चला था अटैक ऑन टाइटन फाइनल सीजन पार्ट वन, मतलब पार्ट वन बाद में जाके लगा दिया। फिर हम लोगों ने उम्मीद लगाकर बैठे थे उसके बाद वाला जो पार्ट है उसके अंदर सब कुछ खत्म होने वाला है। अटैक ऑन टाइटन फाइनल सीजन पार्ट टू पड़ा करके फिर से छोड़ दिया। नाउ इट्स बीन अ ईयर, एक साल ऑलमोस्ट होने का ही है या फिर हो भी चुका है शायद, और हमको पता है नाउ इट्स कमिंग अटैक ऑन टाइटन फाइनल सीजन पार्ट थ्री। कुछ दिन पहले वो ट्रेलर टीजर जो भी आया था मैंने रिएक्ट किया था, अच्छा लगा था हम लोगों को कि चलो बढ़िया यार इसके साथ सब कुछ खत्म होने वाला है। बट वेट मिनट मेरे भाई, अब यहां पर दो घंटे पहले न्यूज आई कि अटैक ऑन टाइटन फाइनल सीजन पार्ट थ्री पार्ट वन इज कमिंग। मतलब तुम समझ रहे हो, अटैक ऑन टाइटन फाइनल सीजन पार्ट थ्री का पार्ट वन आने वाला है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। इन लोगों ने चीजों को खींच के ऐसे मोड पे लेकर आ गए कि भाई एओटी के फैंस खुद अब बात करें इसके बारे में। दे आर नॉट सेटिस्फाइड, बोलो कंप्लेन कर रहे हैं, व्हाट द फक इज गोइंग ऑन, एनिमे के साथ एक्चुअली में कर क्या रहा है, चल क्या रहा है, कितने टाइम से ये सब क्या हो रहा है, एंडिंग के मार के रखा है पहले से, बट उसके बाद अभी एंडिंग को एयर करने को लेके भी भाई दिक्कत चल रही है। इसका पार्ट वन निकाले, मूवी निकाले, या फिर इसको दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड करे, क्या करे ना करे भाई, सब फक होके रखा। देखो तुम लोगों को पता, मैं एओटी के ऊपर बहुत सारे वीडियो बना के रखा, बिकॉज आई एम अ बिग फैन ऑफ एओटी, बट नॉट द बिगेस्ट फैन। अरे बात मैं ऑनेस्टली बता रहा हूं, तो मैं अपनी बात कर रहा हूं एज अ बिग फैन ऑफ एओटी, जब मैं ये सब देख रहा हूं मेरे को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। ये सीरीज खत्म होने का एकदम खत्म हो रहा है, उसके बाद एओटी का नामो निशान नहीं है, तो एंडिंग कैसे होनी चाहिए थी? फुल कट एंडिंग, कुछ हफ्ते एंजॉय करके जैसे हर एक एनिमे के अंदर करता है, फिर लास्ट एपिसोड के साथ खत्म, जिससे ये जो जर्नी है ये अच्छे से याद रहे हम लोग को, एकदम बढ़िया मेमोरीज की तरह। बट इसकी एंडिंग कैसे हो रही है, तरपा तरपा के हो रही है, जो अच्छा ही नहीं लग रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल इन लोगों ने फाइनल सीजन बोल बोल के दो तीन सीजन लेकर आ गए, विच इज अंडरस्टैंडेबल, चलो हो सकता ही है। बट अभी जो ये लास्ट वाला सीजन है इसको लेकर अभी क्या कर रहा है? ट्रेलर के बाद हम लोगों को पता चला लास्ट सीजन को ये लोग दो अलग अलग कोर में डिवाइड कर रहा है, जो करना नहीं चाहिए था फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड इफ यू आर एओटी फैन तुमको भी मानना पड़ेगा इसको अलग अलग कोर में डिवाइड करने की जरूरत नहीं, 8 चैप्टर शायद बाकी है, 8 चैप्टर में तुम मैक्स कितने एपिसोड निकाल सकते हो, 8 एपिसोड, वो भी अगर एक चैप्टर तुम्हें एक एपिसोड में एनिमेट कर रहे हो तो, ये तो 6-7 एपिसोड के अंदर पूरा सीजन खत्म होने का था, जो कि सही था चलो। बट एओटी वालों ने डिसाइड कर इसको दो अलग अलग कोर में हम लोग डिवाइड करेंगे, बीच में हम लोग थोड़ा प्रमोशन लाएंगे, जिसके बारे में तुम लोग ऑलरेडी ट्रेलर पे रिएक्ट करते हुए बोला कि वो जो होता है ना चीजों के मर्चेंडाइज वगैरह प्रमोशन वाला लास्ट चाहिए, उसके बाद कुछ आने नहीं वाला, तो या उससे पहले वो लोग थोड़ा पैसे वैसे इनकम करेंगे, थोड़ा सेल वेल करेंगे, विच इज अंडरस्टैंडेबल अगेन। बट अभी दो घंटे पहले जो पता चल रहा है वो ये है कि जो एओटी का फर्स्ट वाला एपिसोड है अटैक ऑन टाइटन फाइनल सीजन पार्ट थ्री का पार्ट वन, वो होने वाला है 1 घंटे का। अभी तुमको लग रहा है कितनी बड़ी खुशखबरी है, 1 घंटे की एपिसोड हम लोग देखने वाले, ओ माय गॉड, क्लैप। बट डोंट वेट मेरे भाई, कितने चैप्टर्स बाकी है, 7-8-9 चैप्टर बाकी है, इसमें से अगर फर्स्ट एपिसोड 1 घंटे के दिखा दो उसका मतलब समझ रहे हो कुछ और दिखाने के लिए बच्चा ही रही है। मापस टू ने एओटी का लास्ट वाला जर्नी एकदम खत्म करके रखा है डूड, तुम यहाँ पर 1 साल वेट करके 1 घंटे के एपिसोड देखने वाला, दैट्स इट। उसके बाद फिर से एक ब्रेक ऑफकोर्स जो लेनी वाला है मोस्ट प्रोबली मेरे को जितना लगता है, बिकॉज वहां पर क्लियरली लिखा था अटैक ऑन टाइटन फाइनल सीजन पार्ट थ्री का पार्ट वन 1 घंटे का होने वाला है, तो पार्ट थ्री का पार्ट वन होने के बाद तो थोड़ा शायद ब्रेक लेंगे, उसके बाद पार्ट थ्री का पार्ट टू दिखाया जाएगा। तो अगर 8 चैप्टर के अंदर अगर 1 घंटे का कुछ एनिमेट करे तो वहां पर ही समझो 4 चैप्टर्स गए, फिर इसके बाद ये लोग थोड़ा और ब्रेक लेंगे, हमको और तर पाएंगे, उसके बाद एक और अनाउंसमेंट करेंगे अटैक ऑन टाइटन फाइनल सीजन पार्ट थ्री का पार्ट टू इज कमिंग। ओ माय गॉड भाई, मार के रखा इन लोगों ने एंडिंग। यहाँ पर तुम में से बहुत सारे लोग अभी बोलेंगे कि हाँ मापा स्टूडियो को अभी थोड़ा टाइम चाहिए था अच्छे से एनिमेट करने के लिए, लास्ट में बहुत ही ज्यादा फाइट वाले सीन्स है जो अच्छे से एनिमेट करना पड़ेगा, नहीं तो लोग कंप्लेन करेंगे। आई एग्री, आई कंप्लीटली एग्री डूड, तुमको नहीं लगता है थोड़ा ज्यादा टाइम ले लेते, 1 साल की जगह 1.5 साल ले लेते, फिर भी एक साथ करके दिखाते तो हम सेटिस्फाई होते कि हाँ वीकली हम लोग शो इंजॉय कर रहे हैं, जैसे डीमन स्लेयर आ रहा है या आई एम टॉकिंग अबाउट सीजन 3 जो हम लोग एवरी वीक इंजॉय करेंगे, तो वैसे ही अगर अटैक ऑन टाइटन कम एपिसोड भी होता तो भी हम लोग अगर वीकली इंजॉय करते ना उसमें ज्यादा फील आती भाई। हाँ ऑन दी अदर साइड हम लोग को पता है 1 घंटे की लंबे एपिसोड है, ज्यादा इंजॉय करोगे, बट 1 घंटे के एपिसोड का मतलब ये नहीं कि 1 घंटे का ही होगा भाई। जापान में टीवी पे आता है, टीवी एड्स को हटा दोगे तो 45 मिनट का एपिसोड बचेगा। आर यू रियली सेटिस्फाइड? मेरे को पर्सनल लगता है एओटी वालों को ये सारी चीजें करना नहीं चाहिए था, स्पेशल मापस स्टूडेंट दोनों क्या कर रहे हैं, क्या करने की सोच रहे हैं। चलो भाई, पहले से बहुत सारे लोग यहाँ पर एंडिंग को लेके एकदम फ्रस्ट्रेटेड थे, एकदम से भाई बातचीत कर रहे हैं एंडिंग ऐसी है वैसी, एंडिंग के मार के रखा है राइटर ने, बहुत सारे लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं एंडिंग चेंज होंगी, बहुत सारे लोग बोल रहे कि नहीं होगी। उसके बाद शायद हम लोगों को सुनने को मिला था कि एओटी का जो ऑथर है, जो राइटर है, उसने माफी मांगा लोगों से ऐसी एंडिंग रखने के लिए, उसके ऊपर उसने ये भी बोला कि इससे बढ़िया आउटकम, इससे बढ़िया एंडिंग हो नहीं सकता था ब्रो, जैसे एंडिंग रखा गया वैसे होने का था, इससे बेटर आउटकम नहीं मिल रहा था उसको। रीजन की एओटी की जो एंडिंग है वो ऐसी है जो चलो ठीक है, बट एंडिंग का भी जो एंडिंग है
एयरिंग की बात कर रहा हूँ, वहां पर भी मार के रखा अभी। जैसे मैंने शुरू में बोला, आई एम ए फैन ऑफ AOT बट नॉट द बिगेस्ट फैन। मैं बस इमेजिन कर रहा हूँ जो बिगेस्ट वाले फैन है, बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं, अभी उनको ये सब सुनने के बाद कैसा लगा होगा कि एक डेढ़ साल वेट करने के बाद उनको एक घंटे के एपिसोड देखने के मिलेंगे जहां पर कुल मिला के बस 45 मिनट का कंटेंट कुछ होगा। ये प्रॉपर एंडिंग नहीं है डूड, कम ऑन यार। इतना बढ़िया, इतना लेजेंडरी एक सीरीज यार, बहुत पहले से चला आ रहा है, पॉपुलर भाई, उसकी एंडिंग को लेकर इतना खींचना, बिजनेस करना वॉज नॉट ए गुड थिंग फॉर मी, एटलीस्ट मैं अपनी बात कर रहा हूँ, इन माई ओपिनियन। तो यहाँ पर अभी के लिए कुछ ऐसा होगा कि अटैक ऑन टाइटन फाइनल सीजन पार्ट 3 का जो पार्ट 1 है, ये लाइक एक शॉर्ट मूवी है 45 मिनट का। उसके बाद वो लोग फिर से अनाउंस करेंगे अटैक ऑन टाइटन फाइनल सीजन पार्ट 3 का पार्ट 2, एक और शॉर्ट मूवी। तो दो दो शॉर्ट मूवी ना ला के एक बढ़िया मूवी लेकर आते हैं, तो फुल एज ए मूवी दिखा देते हैं एंडिंग, पैसे भी बढ़िया इनकम हो जाती है, मूवी रिकॉर्ड फॉर दिट ऑफ कोर्स। बट इन लोगों ने ना मूवी निकाला, ना प्रॉपर 8 एपिसोड हम लोगों को दिए, बट इन लोगों ने क्या किया, दो छोटे छोटे शॉर्ट मूवी दे दिया हम लोगों को, जिनके बीच में भी शायद गैप होने वाला। अब यहाँ पर मैं जो ये सारी चीजों को लेकर बात करूँ, अब शायद यहाँ पर कुछ AOT फैंस बोलेंगे अभी कमेंट पे कि भाई तो AOT का हेटर है, तेरा AOT फेवरेट है, मैंने ब्ला ब्ला ब्ला। ऐसा कुछ नहीं है, मेरा ट्रेलर वाला रिएक्शन जाके देख ली वो वीडियो, भाई मैं कितना एक्साइटेड था डूड। बट यहाँ पर मैं बस बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि आई डिडंट लाइक द वे इट्स एंडिंग, एंडिंग ऐसा नहीं होना चाहिए था डूड, कम ऑन। आगे जैसे यहाँ पर आई रेडियो कमेंट्स, तुम लोगों का ओपिनियन देखूंगा, ये जो है अटैक ऑन टाइटन फाइनल सीजन पार्ट 3 पार्ट 1 ला रहे हैं, फिर उसके बाद पार्ट 2 लाएंगे 45 मिनट करके, ये कैसा आइडिया था, इससे बढ़िया कोई आउटकम हो सकता था या फिर नहीं, या फिर इन लोगों के पास ये एक ऑप्शन था दो अलग अलग हिस्से में डिवाइड करने का, या फिर तुम लोगों को ऐसा लगता जो AOT का लास्ट सीजन था अटैक ऑन टाइटन फाइनल सीजन पार्ट 2 में सारे के सारे जो चैप्टर है वो एनिमेट करके एकदम से खत्म करना था। व्हाट डू यू गाइस थिंक ऑफ इट, लेट मी नो योर ओपिनियन इन द कमेंट सेक्शन, मैंने तो अपना बता दिया डूड। चलो बाकी न्यूज मेरे को 2 घंटे पहले पता चला, तो मैंने सोचा कि तुम लोगों के साथ थोड़ा शेयर कर लेता, अपना जो ओपिनियन है थोड़ा शेयर करता हूं, मैंने कर लिया। अगर ये वाली वीडियो अच्छा लगे तो सब लोग दबाओ लाइक बटन, चैनल पर ना तो सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब करने के पास जो घंटा उसे दबा के ऑल पे सेट कर दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।